हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 17th एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यार यहाँ पे मैंने जो दो क्वेश्चन लिया है वो पहला क्वेश्चन है जेईई 2015 का, ये क्वेश्चन है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन का, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2016 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कैसे हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, कुछ टेक्निक्स लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0, 0, 0.41 एंड 41.0। तो देखो यार, पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप डायग्राम बना लो, ठीक है? आप एक डायग्राम जरूर से बना लो, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है? ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 0.0, ठीक है? ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 41.0, ठीक है? और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 0.41। ये आपको तीन पॉइंट मिल गए, मान लो ए बी सी, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है कि इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे कि 1.0 होगा, 2.0 होगा, 3.0 होगा, 40.0 होगा, ऐसे करके आपको 1.1 होगा, 1.2 होगा, ऐसे करके करते बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहां पर इस ट्रायंगल के अंदर में, जिनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, मतलब कि जो एक्स और वाई का जो पेयर बनेगा, जैसे 1.2, 1.3, ये क्या है, इंटीजर वाले पेयर्स हैं। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स इस ट्रायंगल के इनसाइड में, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, नॉट लाइंग ऑन द ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है कितने ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं टोटल, ठीक है? अब यहां पे जो आप वैल्यूज देख रहे हो वो 901, 861, 820, 780 वगैरह वगैरह। तो टेक्निक क्या है यहां पर, आप सोचो। एक तो तरीका है ओरिजिनल तरीका, आप कॉम्बिनेशन यूज करके करो। एक और तरीका है कि आप कैलकुलेट करते रहो, आप देखो यहां से यहां तक कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 39 पॉइंट्स आएंगे, फिर उसके ऊपर 38 पॉइंट्स आएंगे, 37 पॉइंट्स आएंगे, ऐसे करते करते आप मैथमेटिक्स लगा कैलकुलेट कर सको, वो भी एक तरीका है करने का सॉल्व। बट मैं यहां पर एक अच्छा टेक्निक यूज करने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं, आप इमेजिन करो आपके क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? ऐसा मान लो कि आपको मिल रहे हैं एक रो में पांच लोग, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ऐसे करते करते टीचर ने आपको मान लो चार रो में बैठाया है, हर रो में आपके पास पांच लोग हैं, ठीक है? ठीक है, देखो पांच लोग एक रो में बैठे, ऐसे करते करते चार रो है आपके पास में। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके क्लास में इस बॉक्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, या तो सिंपली ऐड करोगे 5 + 5 + 5 + 5 हो जाएगा 20, या फिर आप एक रो में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ रो से, तो आपको मिल जाएगा 5 × 4 = 20। और 5 × 4 = 20 बेसिकली क्या है, सोच के देखो, वो बेसिकली क्या है, इसका एरिया है। ये अगर एक स्क्वायर मान लू मैं या एक रेक्टेंगल मान लू मैं, तो क्या हो जाएगा, 20 क्या है, उसका एक एरिया है जिसका लेंथ मैं मान लेता हूं 5 और ब्रेथ में मान लेता हूं 4, ठीक है? इस टेक्निक को यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में बोला है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? अज्यूम करो कि इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल नहीं होता तो क्या होता, पूरा का पूरा एरिया हम लोग निकालते इसका, पूरा का पूरा एरिया हम लोग निकालते और उससे हम लोग फाइंड आउट करते कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स यहां पर कितने हैं, ठीक है? तो यहां पर जो हम लोग एरिया निकालेंगे इसका, तो वो कितना मिलेगा, 1/2 × बेस × हाइट, मतलब 1/2 × 41 × 41, क्योंकि इसका जो बेस है और जो हाइट है वो क्या है, 41 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 41 × 20.5 1681/2 करने के बाद में आपको मिलेगा 840.5, यहां पर आपको मिलेगा 840.5। और इसके बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि इसके जो नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स अगर हम लोग ऐड करें तो वो बेसिकली इस एरिया के बराबर आ जाएगा 840.5। तो ये बेसिकली मैंने निकाला है इस पूरे का एरिया। यहां पर हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा वो रीजन जो इंटीजर पॉइंट्स जहां पर स्टार्ट नहीं हुए हैं। सोच के देखो इस चीज को, पहली बात तो ये है कि इसका एरिया आ रहा है 840.5, मतलब 840.5 से जितने भी आंसर इससे बड़े होंगे वो तो आंसर नहीं होगा, मतलब 861 और 901 आंसर एकदम पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद में आपको चेक करना है ये चीज कि जो इंटीजर नंबर ऑफ पॉइंट्स आए हैं वो स्टार्ट हुए हैं यहां से 1.0, 2.0, यहां से 1.0 से स्टार्ट हुए हैं 1.1। अब देखो 0.0, ध्यान से देखो 0.0 और 1.0 के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका जो x और y कोऑर्डिनेट हो वो इंटीजर हो दोनों का दोनों। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा बैंड बनेगा जिसको आपको नेग्लेक्ट करना है, सोच के देखो। उसी तरीके से यहां पर एक ऐसा बैंड बनेगा जिसको आपको नेग्लेक्ट करना है। कहने का मतलब यह है कि x कोऑर्डिनेट में जो लास्ट पॉइंट होगा वो आपको शायद मिलेगा 40.1, ठीक है ना? 40.1 एक लास्ट कोऑर्डिनेट होगा जिसका जो दोनों इंटीजर है, दोनों जो x और y कोऑर्डिनेट है वो x होगा, x मतलब इंटीजर होगा। 40.1 के बाद में आपको मिलेगा 40.0 के बाद में आपको मिलेगा 41.0, मतलब 40.0 और 41.0 के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका कि दोनों
कोऑर्डिनेट्स आपको इंटीजर्स मिले। तो उसी तरीके से ये एक चेन आपको मिलेगा, आप चेक करना। बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर 840.5 में से आपको माइनस करना है इस वाले लेयर को, ठीक है। अब आप धीरे धीरे काम करो, सिंपलिसिटी से काम करो। यहाँ पे पहले आप इस लेयर को माइनस करो। ये बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 1 यूनिट है ना, 0.0 से और 1.0 तक। और जो इसका हाइट है, जो लेंथ है, वो क्या है, अप्रोक्स मान लो 40, या ध्यान से चेक कर लेना 39, 40, 41 क्या मिल रहा है आपको। तो ये बेसिकली इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 40 × 1 आपको मिल जाएगा 40, ठीक है। तो आपको 840 में से पहले तो इस 40 को माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा यहां पर 800 के आसपास। उसके बाद में फिर आपको इस वाले लेयर को भी माइनस करना है, बट उतनी भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 800 से नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 780, और आपको आपका आंसर यहां पर मिल गया। और यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x व्हिच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट्स सेंटर एट पी इज। यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको ग्राफिकल अप्रोच लगाना है ताकि आपको आंसर बहुत इजीली यहां पर मिल जाए। एक पैराबोला आप पहले तो बना लो यहां पर, ठीक है। पैराबोला आप जब बनाओगे यहां पर इस क्वेश्चन में, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा टाइप का पैराबोला, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो ये बेसिकली y square equals to 4ax होता है पैराबोला का जनरल इक्वेशन, और यहां पर जो a का वैल्यू है वो बेसिकली है 2, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो फोकस है वो है 2.0, और यहां पर ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम। तो ये बेसिकली एक पैराबोला हो गया आपके पास में y square equals to 8x। इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पैराबोला है क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर एक सर्कल है आपके पास में जिसका जो सेंटर है वो है 0, -6। तो 0, -6 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, -6 पर एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है बेसिकली, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट पे एक रफ ऐसा एक सर्कल टाइप का बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो बड़ा सा डॉट मैंने बनाया है ये है बेसिकली पॉइंट सी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पे एक ऐसा पॉइंट है पी विच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस। तो ये एक सर्कल है, और मेरे को लग रहा है कि यहां से अगर मैं एक रफ नॉर्मल टाइप का बनाता हूं, तो ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है पी जो मिनिमम डिस्टेंस पर है इस सर्कल के सेंटर से, ठीक है। अब यहां पर मेरे को पॉइंट पी मिल चुका है, रफ पॉइंट सी मिल चुका है, और यहां पे 2.0 मेरे को पता है फोकाई है, ठीक है। ये सब फील लेने के लिए मैंने यहां पे डायग्राम बना लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट सेंटर एट पी। एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है जो पास कर रहा है सी से, जो पास कर रहा है सी से, मगर उसका जो सेंटर है वो है पी पर। तो मेरे को लग रहा है कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो हमारा कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एक रफ सर्कल मैंने बनाया है, ये एक हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है जिसका इक्वेशन हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब सोचो यार, ध्यान से सोचो, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, पी। अब पी कोऑर्डिनेट हम लोग को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, ठीक है, और हम लोग को एक चीज पता है कि यहां पर ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है सी से। तो पास कर रहा है ये सर्कल सी से, और हम लोग को सी का कोऑर्डिनेट मालूम है 0, -6, जो कि इस सर्कल का सेंटर है। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि 0, -6 को पुट करके देखते हैं, जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं किया उस ऑप्शन को हम लोग यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। बट यहां पे जब आप लोग चेक करोगे 0, -6 को यहां पर बैठा के, तो इन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर इस ऑप्शन को यहां पर बनाया है। 0, -6 चारों के चारों ऑप्शन को यहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा, आप लोग चेक करके देख लेना। अब यहां पर ये टेक्निक फेल होने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हर एक सर्कल के सेंटर को ऑब्जर्व कर सकते हो, और अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करके ग्राफ आंसर आप लोग दे सकते हो। कैसे करोगे, देखो ये आपको मिला है इस फर्स्ट ऑप्शन में, आपको सर्कल का सेंटर मिलता है 2, -4, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपको मिलता है 1/2, -2, ठीक है। अब आपको अगर सेंटर निकालना नहीं आता है तो प्लीज यार थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, क्योंकि हर चीज ट्रिक से नहीं होता है। और यहां पर जो ऑप्शन सी है वहां पर आपको मिलेगा 1/8, -1, और जो ऑप्शन डी है वहां पर आपको मिलेगा 2, -4.5, 9/2 हो जाएगा 4.5। ये हमारे चारों सर्कल के आपको सेंटर यहां पर मिल गए, ठीक है। इसके बाद भी और ज्यादा एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, रेडियस वगैरह कर सकते हो, मैं देखता हूं कितना देर तक मैं यहां पर टिक सकता हूं सिर्फ सेंटर्स के बेसिस पर। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो मेरे को मिल रहा है 2, -4, तो 2, -4 1, 2, -4, तो है ना ये जो डायग्राम है थोड़ा सा रफ डायग्राम है, तो शायद 2, -4 मेरे को लग रहा है कि ये पॉइंट 2, -4 शायद हो सकता है, तो मैं 2, -4 को होल्ड पे रख रहा हूं। अब यहां पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है 1/2, -2, तो 1/2 यहां पर आएगा और -2 यहां पर आएगा, तो 1/2, -2 मेरे को एकदम ही नहीं लग रहा है कि सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि मेरा ये जो सर्कल का सेंटर है पी ये 1/2 से काफी ज्यादा आगे है, मेरे को फील हो रहा है इस डायग्राम से। तो मैं ऑप्शन बी को भी यहां पर एलिमिनेट करता हूं।
ऑप्शन सी तो और भी खतरनाक है, इसका सेंटर है 1/8, -1, तो 1/8 तो और भी छोटा हो गया, मतलब यहां पर आया और फिर -1 यहां पर आया, तो ये पॉइंट तो मेरे को और भी सर्कल का सेंटर एकदम भी फील नहीं हो रहा है, तो इसको भी मैं यहां पर एलिमिनेट कर देता हूं। उसके बाद में जो ऑप्शन डी है वो हम लोग को मिल रहा है यहां पर 2, -4.5, तो 2, -4.5 कुछ यहां पर आएगा, जो भी मेरे को, हालांकि ये हो सकता है, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूं 100% श्योर इस डायग्राम के बेसिस पर कि ये पॉइंट नहीं है, बट इसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रेडियस निकाल लो दोनों का। अब देखते हैं, हम लोगों को यहां पे डाउट हो रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बीच में, दोनों का जो हम लोग रेडियस निकाल के देखेंगे तो ऑप्शन ए में हम लोग को रेडियस मिलेगा √2² हो जाएगा 4 +√4² हो जाएगा 16 -12, ये हम लोग को मिलेगा √8, और ऑप्शन डी में जो हम लोग रेडियस चेक करेंगे तो यहां पर हम लोग को मिलेगा √2² हो जाएगा 4 +√4.5² हो जाएगा समथिंग, मे बी 16 से थोड़ा ऊपर, कुछ भी मान लो 18 के आसपास मान लो, और -18 जो हम लोग यहां पर करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा √4, मतलब 2 के आसपास। तो यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि जो सर्कल का रेडियस है वो यहां पर काफी ज्यादा छोटा मिल रहा है मेरे को, और यहां पर √8 मतलब कि थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2. आप कुछ भी मान लो 2.3, 2.4 के हिसाब से आप मान लो। तो यहां पर जो मेरे को फील हो रहा है कि ये जो सर्कल है ये बहुत ज्यादा छोटा सर्कल नहीं है, हालांकि आप इसका एग्जैक्ट रेडियस चेक कर लेना 9/2, 4.5² कितना आता है आप देख लेना, बाकी मैंने यहां पर एक रफ वैल्यू लिया और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो सर्कल का रेडियस है ये इस वाले के साथ ज्यादा मैच कर रहा है मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको कुछ भी नहीं निकालना, इक्वेशन नहीं निकालना, सॉल्व नहीं करना, आप बड़े ध्यान से डायग्राम अगर आप बना लो, मैंने तो यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया है, आप चाहो तो थोड़ी शांति से एग्जाम में डायग्राम बना के एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी इस डायग्राम से भी पूरा पूरा फील हो रहा है कि -4.5 कुछ ज्यादा ही नीचे है, और बाकी तो बस यहाँ पर रेडियस से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि रेडियस जो है ये 2 से थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, और बस बाकी यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा, अगर आपने से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।